हे गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूं कि यूजुअली जो वीकेंड है मैं कैसे स्पेंड करती हूं। मैंने फिल्म किया हुआ है कि वीकेंड्स मेरे यूजुअली कैसे होते हैं। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत चेंज होता है हर एक वीकेंड पे। कभी बाहर का ज्यादा प्लान है तो फिर घर में उतना टाइम स्पेंड नहीं करती, जब घर में हूं तो कैसा होता है। तो ऐसे छोटे छोटे मैंने फिल्म जो किया हुआ है वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगी और बताऊंगी कि जो भी हम देसी इंडियंस जो होते हैं वो अमेरिका में रहते हैं उनका वीकेंड कैसा जाता है। मेरा पूरा फोकस होता है वीकेंड पे यही कि अगर वेदर बहुत अच्छा है तो बाहर भी लेके जाऊं अमायरा को, थोड़ा घुमाने के लिए कहीं अमायरा को लेके जाऊं। बट अभी ठंड बहुत ज्यादा चल रही है, यूजुअली माइनस या 0 डिग्री के अराउंड ही टेम्परेचर होता है और हवा बहुत तेज चल रही होती है, बहुत बाहर नहीं घूम पा रहे हैं। लाइब्रेरी कभी लेके चले जाती हूँ, ऐसे कई सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं तो वो सब करते रहते हैं। सो आज सैटरडे को सुबह 9:30 पे लाइब्रेरी में इवेंट था, फैमिली इवेंट, तो वहाँ पे लेके गई मैं अमायरा को। यहाँ की पब्लिक लाइब्रेरी में कई सारे इवेंट्स होते रहते हैं गाइस, और ये इवेंट बिल्कुल फ्री होता है। बच्चे क्राफ्ट बना रहे थे और फैमिलीज के लिए ब्रेकफास्ट भी अरेंज कर रखा था, डोनट्स, कॉफी, ऑरेंज। और सबसे मेन चीज जिसकी वजह से मैंने इस इवेंट के लिए रजिस्टर किया था और अमायरा और अमोद के साथ यहाँ गई थी कि यहाँ पे स्टोरी टेलिंग भी था। कई सारे बच्चे आए हुए थे और सामने जो बंदी थी वो स्टोरी पढ़ के सुना रही थी सारे बच्चों को, और बच्चे आपस में एक दूसरे से मिल रहे थे। तो ये एक्टिविटी इस विंटर के टाइम पे बहुत ही सही लगी मुझे, क्योंकि बाहर ऐसे भी लोग ज़्यादा नहीं निकलते तो हमारा का इंटरेक्शन उतना होता नहीं बाहर की बच्चों से। तो इसीलिए मैं ऐसे इवेंट्स में कोशिश करती हूँ कि अमायरा को डेफिनेटली लेके जाऊँ लाइब्रेरी में। 1 घंटे का ही इवेंट था तो आज सुबह का 1 घंटे तो ऐसे ही निकला। घर पे डायरेक्ट लंच ही बनाती हूँ मैं वीकेंड पे, तो अब यहाँ से जाने के बाद घर पे लंच बनाऊंगी। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग घर आ गए और लंच बनाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। वीकेंड है तो बेसिकली वीकेंड पे पनीर पराठा फिक्स है एक दिन खाना, तो वही बना रही हूँ। नीचे से वीडियो मैंने बना लिया। अमायरा बहुत हेल्प की और ये यहीं पे रहती है, डांस करती रहती है ना बेटू। जब भी मैं बनाती हूँ वहां स्पीकर चला देती हूँ, मैं स्पीकर पे गाने अभी बंद है क्योंकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बट हाँ यहाँ पे हमारा डांस करती रहती घूम घूम के और मम्मा यहाँ पराठा बनाती रहती है ना बेटा। चलिए मिलती हूँ आप लोगों को बाद में। गाइज हमारा पराठा रेडी हो गया, मैं लेके जा रही हूँ खाने और हमारा अपना केचप लेके आ रही है खाने। चलो बैठ जाओ, सिट डाउन। यहाँ से कहाँ बोल रही हो तुम? मैं बेसमेंट में जब भी वीडियो बनाने जाती हूँ तो अमायरा मेरे साथ जाती है और ये इतनी एक्साइटेड रहती है वीडियो बनाने के लिए कि पूछो मत, है ना बेटा। चलो कहाँ जाएंगे? देखिए बता रही है, जिम जाएंगे। तो हम भी हम लोग जा रहे हैं बेसमेंट वीडियो बनाने। तो ऐसा कुछ मेरा ये ग्रीन स्पेस का सेटअप है जहाँ पे मैं वीडियो बनाती हूँ। अमायरा पूरे बेसमेंट में खेलती है, जिम भी मेरा यही बेसमेंट में है। करती हो ना जिम? डू यू वर्कआउट विद मम्मा? कहाँ पे? क्या करती हो? कैसे करती हो बॉक्सिंग? कैसे? ऑल राइट, चलो मम्मा वीडियो बनाएगी। वीडियो बनाने के बाद अमायरा को सुलाने लाई हूँ मैं। अमोद उधर सो गया है, अमायरा सोने का नाम नहीं ले रही। तब से मैं ऐसे ही नाटक कर रही हूँ मुँह ढक के कि मैं भी सो गई हूँ और ये मेरे ऊपर उछल कूद कर रही है, इसे बिल्कुल भी नहीं सोना है। देखिए बदमाशी को। और अमोद वहाँ मस्त खा पी के टंच होके सो चुका है। सो जाओ बंट। बंट क्या? सो जाओ बेटू, 2:30 बज गए हैं और ये सुबह से नहीं सोई है। कैसे सुलाऊं इस बच्चे को बताएं जरा, इतने फ्रेश बच्चे को, और ब्लाइंड भी ये नीचे गिराने नहीं दे रही है, जैसे गिरा रही हूँ उसे हल्ला कर रही है। गाइज अब शाम हो गई है और अभी चाय वाय जा रही हूँ मैं, बनाऊंगी चाय वगैरह हम लोग पियेंगे और उसके बाद मौसम बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, ठंड है बट माइनस में टेम्परेचर नहीं है, तो उसके बाद पार्क जाऊंगी। हम लोग जा रहे हैं गाइज पार्क। वेयर आर वी गोइंग? पार्क। अब क्लियर बोलती है, पहले बोलती थी बाहर। तो गाइज हम लोग आ गए हैं पार्क। आज का मौसम अच्छा ठीक ठाक था, सब लोग खेल रहे हैं। थोड़ा भी डर नहीं है, डर नहीं है इसपे, मजा आता है इसको। 1 घंटा भी रखो जाना नहीं चाहेगी, अब तुम देखना डर क्या रहेगा इसपे। 11 महीने से इसको ला रहे हैं यहाँ पे, देखो मायरा। अमोद को कह रही है कॉस्को चलने के लिए बाहर और अमोद नहीं जा रहा है तो वो उठा रही है। अभी देख ली वीडियो बनाते तो शांत है। अभी शांत हो गई है, कैप्चर हो गई है।
वीडियो में से बहुत फर्क पड़ता है तुम्हें भी पड़ता है। सो गाइस, हमारा मोद के साथ कॉस्को गई हुई है ग्रोसरीज शॉपिंग वगैरह करने के लिए। उसे बड़ा मजा आता है कॉस्को में। ऊपर थोड़ा मुझे काम था, मैं आके करने लग गई लैपटॉप पे। और हाँ गाइस, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं क्योंकि आप सबको अमेरिका आना है। तो आप सबकी हेल्प करने के लिए मैंने कंसल्टेशन कोर्स लॉन्च किया है जिसमें मैं आपसे 30 मिनट्स फोन पे बात करूंगी। ये कोर्स मेरी वेबसाइट fitlifebyamita.com पे है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। क्योंकि गाइस, मैं चाहती हूँ आप सबकी जेन्युइनली हेल्प करना और फ्री में। सबसे मैं बात नहीं कर सकती, लोग मुझे हजारों लोग रीच आउट करते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हर रोज, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने छोटा सा अमाउंट रखा है ताकि सिर्फ और सिर्फ सीरियस लोग ही मुझसे फोन पे बात करें, मैं उनको ही अपना टाइम दूं क्योंकि मेरे भी टाइम की वैल्यू है। जब आप कॉल करोगे तो आपकी जो भी क्वेरीज होगी यूएस के वीजा से रिलेटेड या यूएस आप कैसे आ सकते हो, आपका बैकग्राउंड मैं समझूंगी। और यूएस के बेसिकली आने के लिए 30-40 टाइप के डिफरेंट वीजाज होते हैं, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। जरूरी नहीं है आपका पढ़ा लिखा होना अमेरिका आने के लिए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इधर उधर फालतू फ्रॉड चीजों में पढ़ने से बेटर है कि आप थोड़ा सा अमाउंट खर्च करके मेरा कंसल्टेशन कोर्स ले लें, फोन पे मुझसे बात कर लें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो, और किसी फ्रॉड के झांसे में ना आए। तो आपका बैकग्राउंड समझूंगी उस कॉल में और उसके हिसाब से आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कैसे अमेरिका आ सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सिंपल पेमेंट मेथड है, यूपीआई पेमेंट मेथड, पेटीएम के द्वारा, फोन पे के द्वारा, गूगल पे के द्वारा पेमेंट कर सकता है, बहुत ही सिंपल है। कॉस्को से क्या क्या लाई हो? ऑल राइट, मन्ना मिल्क इज हियर। और क्या लाई हो? एप्पल भी है। और क्या लाई हो? ब्लूबेरीज भी है। ओ माय गॉड, पाइन एप्पल भी लाई हो। अरे वाह, गुड जॉब बेटू। वो बॉक्स में क्या लाई हो? ये देखिए गाइस, अमायरा मेरे इयररिंग्स निकाल के खुद पहन रही है ये देखिए क्या कर रही हो बेटू? इयररिंग्स पहन रहे हो खुद से? गुड जॉब। चलो पियर्सिंग करा देगी मम्मा, फिर पहनना, ठीक है? नाना। हाँ नाना भी पहनती है। मम्मी अमायरा का लगा रही है और अमायरा मम्मा का लगा रही है ना बेटू? लगा दो अच्छे से, देखिए लगा दो बाबू, मम्मा को लगा कटोरी में। हाँ तुम हंसती रहो, इसमें इतना हंसने की क्या बात है बेटू? नानी का फोन लेके किसको जोड़ दे रही है? देखो जरा ये किसको जोड़ रही है, हंस रही है, कॉन्टैक्ट्स लाके पता नहीं क्या क्या टाइप कर रही है। क्या कर रही हो नानी के फोन में? तो गाइस, वीकेंड मोस्टली फैमिली टाइम ही होता है। सुबह से आप देख रहे होगे अमायरा के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा से ज्यादा। बाकी मंडे टू फ्राइडे तो ऑफिस होता है और भी कई सारे काम होते हैं, तो ऐसे ही वीकेंड निकलता है यहाँ अमेरिका में हम लोगों का।